हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सोया कीमा बनाने की रेसिपी। दोस्तों, ये सोया कीमा किसी नॉनवेज से कम नहीं है। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखें, यहाँ पर हमने 100 ग्राम सोया चंक्स लिया है और इसे भिगोने के लिए गर्म पानी का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें गर्म पानी डाल दे रही हूँ, तो ये 1 कप डाला मैंने, आधा कप पानी। और इसमें डालेंगे, इसे भिगोने के लिए प्याला बड़ा ले और पानी भी थोड़ा ज़्यादा करके डालें ताकि इसे फूलने का जगह मिले। तो मैं इसे ढक करके रख देती हूँ 20 से 25 मिनट के लिए। तो देखें, 20 से 25 मिनट के बाद ये अपनी साइज़ से डबल हो गए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से फूल गए हैं। इसे वॉश कर ले दो पानी से। और देखिए, मैंने वॉश कर लिया है, अब मैं इसे निचोड़ ले रही हूँ। तो अच्छे से इस तरह से दबा दबा करके इसे निचोड़ ले। तो सारे हमने निचोड़ करके रख लिया है। देखिए, इस तरह से कर लेने से भी पानी नहीं निकल रहे हैं, तो इसे मैं ग्राइंड करूँगी। तो इसे हम दरदरा ही पीसेंगे। तो देखिए, इस तरह का हमने इसे पीस लिया है। जो भी एक दो टुकड़े अगर रह जाए मोटे वाले, तो उसे वापस से डाल लें। और जो बाकी बचा हुआ है, उसे भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर ले रही हूँ। तो ये सोया कीमा हमारा अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब चलिए मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल। इसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा लगती है, लेकिन मैं कम डाल रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना डालते हैं। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बटर भी डाला है। बटर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, गर्म हो गया है ये। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 तेज़पत्ते, 1 बड़ी इलायची डाला हमने, 3 से 4 लौंग, और ये 1 लार्ज साइज़ की प्याज हमने इस तरह से बारीक चॉप किया था। इसे अच्छे से ब्राउन कर लेती हूँ। तो हाई फ्लेम पर हमने इसे लगातार अच्छे से बराबर से चलाया। तो देखिए, ये ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 ग्रीन चिली डाल दे रही हूँ बारीक कटी हुई, और 2 टीस्पून हमने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसको हम भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, 1 से 1.5 मिनट के लिए। और ये अदरक लहसुन अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 टोमेटो अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। 1 टीस्पून नमक डाल देते हैं, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अच्छे से इसे तेल छोड़ने तक भून लेंगे। तो देखिए, तेल ऊपर आ गया है। अब मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। तो 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। सारे मसाले डाल करके थोड़े से भून लीजिएगा मसाले का, जब तक कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो देखें, यहाँ पर हमने सारे मसाले भून लिए हैं। दोस्तों, हमने वही मसाले यूज़ किए हैं जो आमतौर पर सभी के घर में होता है, कोई एक्स्ट्रा मसाला हमने नहीं डाला है। तो मसाले भून गए हैं, अब हम इसमें कीमा डाल देते हैं। कीमा डाल करके अच्छे से इसे मिला लें मसालों के साथ, और थोड़ी देर के लिए हम इसे भून भी लेंगे मसालों के साथ ताकि इसमें अच्छा सा खुशबू आ जाए। और इसमें मैं डाल ली हूँ मटर। मटर हमारा फ्रोज़न है, अगर आपके घर में हो तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें, इसके बगैर भी बहुत ही अच्छा बनेगा। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे मटर के साथ भी भून लेंगे। और अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो ये 1 कप पानी डाला हमने, आधा कप पानी हम इसमें और डालेंगे, और इसे ढक करके पकाएंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकने दें, और उसके बाद 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो देखिए, 7-8 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, अगर हो घर में तो ज़रूर डालिएगा। और इसे मैं थोड़ा देर के लिए और पकाऊँगी। मेरे घर में थोड़े से सूखे वाले कीमे पसंद किए जाते हैं, तो 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करके फिर से पकाएँगे। तो देखिए, 4 से 5 मिनट के बाद ये बहुत ही अच्छी तरीके से सूख गए हैं, और इसी तरीके का हमें चाहिए होता है। तो लगभग हमारा सोया कीमा बन करके रेडी है। थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता डाल दें और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसे चूल्हे से उतार लेती हूँ। तो देखिए, यह हमारा सोया कीमा बन करके रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों। इसे आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।